हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था 5 नंबर का, अंशों का निर्गमन एवं हरण। इसके अंदर हमने अंशों के निर्गमन की कुछ एंट्रियां देखी थी और कुछ दो एग्जांपल देखे थे। आज इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ईशान लिमिटेड ने 25,000 अंश जनता को निर्गमित किए। इनमें से प्रत्येक अंश 10 रुपये के थे, 3 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 4 रुपये याचना पर थे। ईशान लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। दोस्तों, एग्जांपल में जो 25,000 जो शेयर थे वो निर्गमित किए गए थे, जिसमें आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपये थे। तो आवेदन पर जब हम 3 रुपये की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 25,000 जो शेयर थे 3 रुपये के भाव से, तो 75,000 रुपये डेबिट, 75,000 रुपये क्रेडिट, ये तो रिसीव्ड की एंट्री होगी। फिर इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 75,000, ठीक है। इसके बाद में अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू होने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 25,000 अंश 3 रुपये के भाव से 75,000 रुपये। प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही 75,000 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपये थे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1,00,000 रुपये। उसको प्राप्त करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वही 1,00,000 रुपये। चलिए चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। गौरव लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 समता अंश 1 रुपये प्रति अंश की दर से बट्टे पर निर्गमित किए। 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर बट्टा सहित, 3 रुपये प्रथम याचना पर और शेष राशि द्वितीय याचना पर दिए हैं। सभी याचनाएं यथासंभव यथा समय प्राप्त समाप्त हो गई। गौरव लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे आवेदन की। तो आवेदन पर 2 रुपये है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 जो अंश है 2 रुपये के भाव के, 1,00,000 रुपये डेबिट, 1,00,000 रुपये क्रेडिट। उसके बाद में इसको ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1,00,000 रुपये ट्रांसफर हो गए। उसके बाद में अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पर 3 रुपये हैं, उसके अंदर 1 रुपया हमारा बट्टा का सम्मिलित है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपये हैं, 2 रुपये तो वैसे हो गए और 1 रुपये बट्टे का होगा, तो 2 रुपये के हिसाब से तो 1,00,000, 1 रुपये के हिसाब से 50,000, टोटल 1,50,000 रुपये। अब रिसीव्ड करने की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,00,000 रुपये रिसीव्ड हो जाएंगे, क्योंकि 50,000 तो बट्टे का हो गया। इसके बाद में फर्स्ट कॉल है, उसके ऊपर 2 रुपये है, 3 रुपये है, तो वही एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 रुपये क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद में उसको प्राप्त करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही 1,50,000 रुपये रिसीव्ड हो जाएंगे। उसके बाद में सेकेंड कॉल के ऊपर जो 2 रुपये शेष रहेगा, तो वो 50,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 रुपये आएगा, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 1,00,000 रुपये डेबिट और 1,00,000 रुपये क्रेडिट, और उसको प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वही 1,00,000 रुपये डेबिट, 1,00,000 रुपये क्रेडिट। इन्हीं एंट्रियों के हिसाब से वो एंट्री अभी हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। मिंटू लिमिटेड ने 10,000 अंश, जिनमें से प्रत्येक 10 रुपये का है, 5 रुपये प्रति अंश प्रव्याजी पर निर्मित किए। किस्तें निम्न प्रकार तय की गई थी, 5 रुपये आवेदन पर जिसमें 2 रुपये प्रव्याजी सहित, 4 रुपये आवंटन पर जिसमें 1 रुपये प्रव्याजी सहित, 6 रुपये याचना पर जिसमें 2 रुपये प्रव्याजी सहित, राशियां समय पर प्राप्त हो गई। मिंटू लिमिटेड की पुस्तकों में रोकड़ बही बनाइए तथा जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। दोस्तों, इस एग्जांपल का जो हल है वो देखते हैं। इसमें जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्रियां थी, रोकड़ प्राप्ति से रिलेटेड एंट्रियां थी, वो मैंने नहीं की है, उसका अलग से आप खाता बना सकते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि जो आवेदन पे जो 5 रुपये थे उसमें 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के भी सम्मिलित थे, तो वो हम क्रेडिट करेंगे। तो 5 रुपये के हिसाब से 10,000 अंशों का 50,000 रुपये, 3 रुपये हो गए आपके शेयर कैपिटल के, तो 3 रुपये हो गए, तो 30,000 वो हो गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम के आपके 2 रुपये के हिसाब से 10,000 के 20,000 वो हो गए, ठीक है। उसके बाद में बात करें शेयर अलॉटमेंट की, 4 रुपये के हिसाब से थे तो 40,000 हो गए, 3 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल के तो हो गए 30,000 रुपये, और 10,000 रुपये आपके हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के, क्योंकि इसमें 1 रुपया आपका प्रीमियम का भी था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो 6 रुपये तो आपके 10,000 के हिसाब से 60,000 हो गए, और 4 रुपये कैपिटल के तो 40,000 वो, और 20,000 आपके हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम की, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 रुपये थे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो आई होप दोस्तों आपको ये 3 एग्जांपल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।